क्लास 5 हिंदी वर्कबुक विकास हिंदी वर्कबुक चैप्टर सेकंड गिनती 21 से 50। पहला प्रश्न है निम्नलिखित 1 से 50 संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है उनको शब्दों में लिखना है। 1 से 50 दे रखी है तो हम 1 को शब्दों में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। इस तरह से 1 से लगाकर 50 तक आपको अंक संख्याओं को शब्दों में लिखना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब यहाँ पे शब्दों में दे रखा है तो उनको अंकों में लिखना है। यहाँ पे 31 दे रखा है तो हमने अंकों में लिखा है 31, 48, 39, 29, 38, 26, 50, 44, 42, 27, 46, 22, 28, 29 और 23, 25, 37, 17, 33 और 24। इस तरह से शब्दों को हमने अंकों में लिखा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पे संख्याएं दे रखी है, बीच में से कहीं से भी संख्या दे रखी है उसको हमको शब्दों में लिखना है। तो ये 21 है तो हमने यहाँ पे शब्दों में लिखा 21, 32, 36, 43, 4 और 3 है 43, 30, 49, 45, 24, 47, 34, 41 और 35। इस तरह से अंकों संख्याओं को शब्दों में लिखा हमने। फोर क्वेश्चन है सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पे अ और ब दे रखा है तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। अ को ब से मिलाना है, किस पे सही उत्तर है और यहाँ पे उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 26, अंक दे रखा है 26, तो आपको शब्दों में ढूंढना है कि 26 कहाँ लिखा हुआ है। तो ये ई पे है 26, तो हमने यहाँ पे आंसर में लिखा ई 26। उसके बाद दूसरा है जो 41 लिखा हुआ है, 41 कहाँ पे है शब्दों में, तो ऊ में है 41, तो हमने ऊ यहाँ पे लिखा 41। उसके बाद है 49, ये 49 है तो यहाँ पे आ में 49 है, यहाँ पे आ करना है 49, तो ये आ में हमने 49 किया। उसके बाद आगे है 45, तो 45 कहाँ पे है, तो यहाँ पे ई में है 45, तो हमने यहाँ पे ई पे लिखा 45। उसके बाद दे रखा है 47, तो 47 कहाँ पे है, तो 47 बड़े ऊ में है 47, तो यहाँ पे हमने ऊ पे किया 47। उसी तरह इसको भी करना है, अ और ब में मिलाना है, तो कहाँ पे है 39, 39 यहाँ पे लिखा हुआ है आ में, तो 39, तो ये किया हमने अ आ किया 39। उसके बाद है 29, ये 29 है तो 29 कहाँ पे है, ऊ में है 29, तो यहाँ पे हमने ऊ लिखा 29। 44, 44, 44 कहाँ पे है, तो बड़ी ई में है 44, तो बड़ी ई में किया। उसके बाद 46, 46 कहाँ पे है, तो ये रहा 46 अ में है, तो 46 किया। उसके बाद 48, 48 कहाँ पे है, तो ई में है 48, तो हमने यहाँ पे ई किया 48, उत्तर में लिख दिया। इस तरह से जोड़ मिलानी है, उत्तर लिखना है। आगे है प्रवृत्तियाँ। कक्षा में अपनी बैठक संख्या अंकों और शब्दों में चौक से लिखिए तथा बारी बारी से उनका उच्चारण कीजिए। 1 से 50 तक की गिनती क्रमिक बोलते हुए जोड़कर चित्र बनाइए। यहाँ पे 1 से 50 तक की गिनती दे रखी है तो आपको जोड़ करके
ये चित्र बनाना है। तो इस तरह से बनाया हमने, यहाँ से शुरू किया, एक दो तीन चार, पूरा एक से लगाकर 50 तक है। तो इस तरह से ये कछुआ बनता है, इस तरह से ये चित्र बनता है। आगे है 21 से 50 तक की गिनती क्रम से बोलते हुए उन्हें जोड़कर चित्र बनाइए। यहाँ पे 21 से 50 तक की गिनती दे रखी है। 21 यहाँ पे है, यहाँ से शुरू हुआ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यहाँ से लगाकर हमें 50 तक गिनती को मैच करना है। और इस तरह से ये चूहे का चित्र बनता है। और इस तरह से हमने ये सब जोड़ किया है। गिनती क्रम से बोलते जाइए और खाली जगह में संख्या लिखते जाइए। और गिनती यहाँ पे दे रखी है, एक से लगाकर 50 तक, और जो खाली है वहाँ पे हमने लिख दिया है। एक लिखा हुआ, दो नहीं लिखा था हमने, दो लिख दिया। तीन, चार, पाँच, ये छः लिखा। सात, आठ, नौ लिखा। 10, फिर 11 लिखा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, जो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, खाली जगह थी वहाँ पे हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है। आगे है, माचिस की तीन खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें। उस रंगीन कागज चिपका कर 6 तक गिनती लिखिए। पासा तैयार है, अब इस पासे में खेलिए और गिनती का अभ्यास कीजिए। ध्यान रहे, पासे पर अंक लिखते समय आमने सामने वाले अंकों का जोड़ 7 हो, उसका ध्यान रखें। तो यहाँ पे कर रखा है जो जोड़ जो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इस तरह से पासे बनेगा।